उषा पटेल, आपकी गार्डनिंग दोस्त। केम छो बदा मजा में? तो आज हम गुजराती लोग गेहूँ साफ करके पूरे साल तक, एक साल तो नहीं लेकिन सालों साल तक कैसे रखते हैं उसके बारे में मैं आज बताऊंगी। इसके पहले मैं आज बताऊंगी कि हमारे गुजरात में कितने कैसे कैसे गेहूँ होते हैं। 496 एचडी होता है, लोकवन होता है, भलिया होता है, बहुत सारे गेहूँ के प्रकार आते हैं। लेकिन गुजराती है फिर भी हम गेहूँ कहाँ से लाते हैं? एमपी वाला, एमपी सरबती टुकड़ी, वही गेहूँ हम सालों साल से खाते हैं, एमपी सरबती टुकड़ी। इसमें जो वो नेम तो कोई भी फैक्ट्री वाले अपने हिसाब से डालते हैं, लेकिन जो हम गाँव में जो गेहूँ साफ कर रहे हैं वो एमपी सरबती टुकड़ी है। तो ये एक गेहूँ हम बाज़ार से लाते हैं। तो गेहूँ आजकल के 2000 से स्टार्ट होते हैं और 4-4.5 हज़ार तक का आपका 100 केजी मिल जाएगा, मतलब 20 रुपये से किलो के 45 रुपये तक किलो आपको गेहूँ मिलता है। जैसे उसकी प्रकार के अच्छे से अच्छे हो तो उसके ज़्यादा दाम होता है, साफ किए नहीं होते हैं तो इसका कम दाम होता है। पहले क्या होता था, गांव में जब गेहूँ किसान लोग उगाते थे तो पहले अब मशीन से साफ करते हैं, लेकिन पहले बेल से साफ करवाते थे। तो बेल से साफ करवाते थे तो क्या होता था, गेहूँ में बहुत सारा कचरा आता था, कंकर आते थे और भी कचरा आता था, सब आता है। लेकिन अभी एमपी वाले जो मतलब पंजाबी लोगों को पता ही होगा कि अभी जो आता है इसमें गेहूँ क्या बोलते हैं, थ्रेसर, थ्रेसर में गेहूँ लेते हैं ना, कोई कंकर कोई कुछ नहीं होता है। क्योंकि आज के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं ना, अकेले रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, बाजार से तैयार थैली लाके रोटी भाकरी जो भी पराठा बनाते हैं। लेकिन आप एक बार ऐसे गेहूँ लाके अपनी चक्की में दराओगे और फिर इसकी रोटी खाओगे तो आप कभी भी बाहर से आटा लाने का भूल जाओगे। तो कुछ नहीं है, देखो मैं इसको पैकेट को मैंने खोला है और मैं दिखाती हूँ, एक भी कंकर नहीं है इसमें, क्योंकि अभी थ्रेसर से गेहूँ लेते हैं। तो देखिए साफ करने का है, एक भी कंकर वंकर कुछ होता ही नहीं है इसमें, खाली इसमें जो ये छोटा दाना निकलता है थोड़ा वाला वो ही निकालना है बस। और आपके पास ये टाइम नहीं है, आप नहीं करोगे ना तो भी चलेगा, डायरेक्ट आप इसको तेल में साफ कर देंगे लगा देने का। तो देखो मैंने ऐसे करके देख लेती है इसमें कुछ कंकर वंकर है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं, बस डाल दें। हम सालों से गुजरात में रहते हैं लेकिन हम सालों से वही एमपी सरबती टुकड़ी ही खाते हैं। इसकी रोटी एकदम से, क्योंकि हम पटेल हैं, हम इतनी जाड़ी बड़ी रोटी नहीं खाते, हमें सॉफ्ट और पतली रोटी चाहिए, छोटी वाली सॉफ्ट और पतली रोटी चाहिए, हम जाड़ी बड़ी वाली रोटी नहीं खाते। तो इसमें एकदम से आपकी रोटी वाइट बनती है और एकदम सॉफ्ट रोटी होती है। केजी गेहूँ मुझे साफ करने में सिर्फ 1 घंटा लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और हमें हमारे घर में हम 4 लोग हैं, अपने अपने हिसाब से आप लोग गेहूँ को स्टोर कर सकते हो, लेकिन मेरे घर में हम 4 लोग हैं, एक छोटी हीरू है, फिर भी हम 100 केजी गेहूँ पूरे साल तक में हमें चलता है। इसको तपाना नहीं होता ना, कोई करना तपाना धोना कुछ नहीं करना है। तो अभी अप्रैल महीना शुरू हुआ है तो हम हर अप्रैल महीने में ही गेहूँ लाते हैं और साफ करके पूरे साल के लिए हम डब्बे में पैक कर देते हैं। तो ऐसे साफ किया है मैंने, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें हमें कस्टर्ड ऑयल लगाते हैं, मैं 100 केजी में 1 किलो 1 लीटर का आता है,
वन लीटर में उसको कस्टर्ड ऑयल लगा देती हूँ, फिर हम डब्बी में उसको कैसे पैक करते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो मैंने 100 केजी घूस इसे छन्नी से चार के तैयार कर दिया है। आप भी पहले ऐसा करना, कुछ निकला नहीं है, देखो बस इतना छोटा, इतना थोड़ा छोटा निकला है और इसमें नीचे से थोड़ी डस्ट निकलती है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ऐसे मैं 100 केजी में 1 लीटर ऐसा मैं डालती हूँ दीवेल का तेल, कस्टर्ड ऑयल। ये मेरा थोड़ा पुराना पड़ा है, मैं इसको पहला यूज कर दूंगी। एक लीटर 100 किलो गेहूं में जाएगा ना? ओके। जितना पसंद है इतना डाल सकते हैं। ऑयल क्यों डालते हैं? ऐसा करके पूरा डीएल वाला, डीएल हम गुजराती इसको डीएल बोलते हैं, डीएल वाला गेहूं कर देते। क्या होता है ऐसा तेल वाला करके रखोगे ना तो ये तेल पी पी के एक गेहूं की साइज बड़ी होगी। अभी मेरे पास पुराना नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाती, थोड़ी इसकी साइज भी बड़ी हो जाती है तेल पी के। इसमें कोई मतलब वो क्या पड़ता है कीड़ा बीड़ा, तो कीड़ा बीड़ा पड़ने की कोई संगत संभावना नहीं रहती, आपका गेहूँ एकदम से सेफ रहेगा। और जब आप इस डीएल वाले गेहूँ से रोटी बनाओगे तो आप देखना ये रोटी एकदम से सॉफ्ट होती है। और वैसे ही डीएल हमारे लिए अच्छा है, हमारा पेट भी थोड़ा साफ रहता है डीएल से। इतना तो हम नहीं पी जाएंगे एक साथ में, तो कोई ऐसे हमें नुकसान नहीं करता। हम हर साल ऐसे गुजराती हमारे ऐसे गेहूँ हम यूज़ डीएल वाला करके भर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, अभी तो मेरे पास स्टॉक में नहीं है, नहीं तो हम क्या करते हैं इस साल जो हम साफ करके जो भरते हैं ना उसको हम अगले साल यूज़ करते हैं। तो तेल पी के ये गेहूँ इतना अच्छे से बड़ा हो जाता है और फिर हम इसकी रोटी बनाती हैं तो एकदम सॉफ्ट वाली रोटी होती है। ये बिना तेल का है, है? ये बिना तेल का और वो चमक चमक वाला तेल वाला। देखो ये मेरा स्टोर रूम है, स्टोर रूम में मैं टिपड़ा इधर रखती हूँ और टिपड़े के अंदर मैंने ये प्लास्टिक की ठीक वाली थैली रखी है, जिससे क्या होता है गेहूँ मैं इसमें रखती हूँ। और डायरेक्ट हम रखेंगे तो क्या होता है टिपड़े के नीचे जो होती है ना इसकी जो किनारी, इसमें गेहूँ फंस जाता है और फिर इसमें गेहूँ फंस जाएगा तो सड़ने का भी उसके चांस रखता है। और हमें टिपड़ा हर साल धोना पड़ता है और ये टिपड़े को अभी कम कभी नहीं धोएंगे। और ये थैली को धोना है तो 2 साल में जब खाली होती है तभी हम उसको धो देते हैं और हमारा काम भी कम हो जाता है। तो देखो मैंने ये डीएल वाला कर दिया है गेहूँ और मैं इसमें भर दूँगी। मेरी दादी ने मुझे सिखाया, मेरी दादी ने मुझे मेरी मम्मी को सिखाया, मेरी मम्मी को देख के मैं सीख गई और आज मेरे मुझे देख के मेरी बहू भी सीख गई। वो गुजराती नहीं है, बाहर सी है, फिर भी उसको आ गया। और देखो आपको दिखता है लेकिन एक छोटे से टिपड़े में भी 100 केजी गेहूँ आ जाता है। पूरा टिपड़ा भर जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊँगी। ये लास्ट वाला है इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डाला है इसमें, क्योंकि हम इसको 20 साल नहीं खाने वाले हैं।
उसको हम अगले साल खाएंगे, और ये पिपड़ा पीछे जाएगा, आगे वाला जो पिपड़ा में भरेंगे वो इसको हम इस साल खाएंगे, क्योंकि मेरा स्टॉक खत्म हो गया था इसलिए मैंने इस साल दो बोरी गेहूँ लिए थे। हर साल हम एक ही लेते हैं, और हम जो पुराना गेहूँ होता है ना उसको ही खाते हैं, अगले साल का इस साल का अगले साल, ऐसा करते हैं। और इसमें देखो 100 kg गेहूँ आ गया है, अब मेरा पिपड़ा बंद हो जाएगा। इसमें मुझे 1.5 घंटा लगा। देखो आप लोग तो यंग होंगे ना, तो 1 घंटे में, 1 घंटे का एक काम है। मैं पहले छोटी थी ना, 1 घंटे में मैं 100 kg गेहूँ साफ कर रही थी, और अब मैं 60 साल की हो गई हूँ इसलिए मुझे 1.5 घंटा लगा। और आप बाजार से ऐसे बोरी लाओगे वो 50 रुपये में kg मिलता है आटा, और ये मुझे 35 या 34 जैसे आप जो हिसाब से आप गेहूँ लाओगे 30 रुपया भी, इतने में हमें 1 kg आटा मिलता है, वो भी हमारा घर का स्वच्छ ताज़ा। और आप मॉल में लेने के जाओगे ये हर हफ्ते में, आप 15 दिन में एक बार तो भी टाइम तो लगता है। बस आप इसको 10 kg एक डब्बे में ऐसे भर के चक्की में रख दो, 10-15 मिनट बाद या 1 घंटे के बाद लेके आ जाओ, कोई ऐसे टाइम नहीं लगता। आपको ऐसा लगेगा कौन चक्की जाएगा, डराना पिसाना ये सब झंझट है, कोई झंझट नहीं है इसमें। हमें अच्छे क्वालिटी का रोटी, अनअडल्ट्रेटेड, हमें अच्छे क्वालिटी खानी है ना, तो थोड़ी हमें घर पे मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरा ये बंद, और हम भगवान का नाम लेके बंद कर देंगे। जय गणपति दादा, हमारा भंडार हमेशा भरे रखना। बस चलो फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।